गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। 74वां स्वतंत्रता दिवस कोलकाता सहित पूरे बंगाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीएम ममता बनर्जी ने रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मंडल राजस्व अधिकारी को 1,10,00,000 रुपए के रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अधिकारी को बलाराजू को घुसखोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की टीम ने ईंट जैसी इस संरचना को चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी से बनाया गया। इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग चंद्रमा की सतह पर रहने के लिए निर्माण काम में किया जाएगा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह से खास अपील की है। पीसीए ने युवराज से संन्यास का फैसला वापस लेकर प्रदेश की टीम का खिलाड़ी और मेंटोर बनने का आग्रह किया है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए बाबा रामदेव का यज्ञ, कहा एक्टर के बारे में सुन रूह कांप गई। हम सब पतंजलि में उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुशांत राजपूत और उनके परिजनों को न्याय मिले। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 वित्तीय संस्थान SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10,10,00,000 रुपए का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने लगाया है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के सेंटा क्रूज मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, इसके साथ ही देश को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ने आपात रिस्क बफर को 5.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। लद्दाख में ITBP के जवान 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं और मामले से संबंधित अन्य सबूत इकट्ठे किए गए हैं। आपकी जांच के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, मुंबई पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र में लिखा। संजय दत्त अपने ट्रीटमेंट के लिए ब्रेक पर जाने से पहले अपने फिल्म सड़क 2 के लिए अगले हफ्ते तक डबिंग से जुड़े काम को पूरा कर लेंगे। अमेज़न की ओर से ऑनलाइन फार्मेसी में उतरने की खबरों ने दवा दुकानदारों में खलबली मचा दी है। अमेज़न बेंगलुरु से ऑनलाइन फार्मेसी की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन दवा दुकानदारों के संगठन ने इसका विरोध किया है। उन्होंने अमेज़न जेफ बेजोस को इसका विरोध करते हुए चिट्ठी लिखा है। प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर आई बड़ी खबर, अस्पताल ने कहा हालत अब भी गंभीर। भारत में टिकटॉक पर बैन के बाद अपने उपभोक्ताओं में हुई बढ़ोतरी का फायदा उठाते हुए फेसबुक अपने ऐप में टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो का फीचर टेस्ट कर रहा है। फेसबुक ऐप में इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो के नाम से सेक्शन भी दिया गया है। आज के फास्ट 15 में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।